हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि रैबिट को लेके आने का सोच रहे हैं। लोग अक्सर रैबिट तो ले आते हैं, लेकिन उसके बारे में जब बेसिक जानकारी नहीं होती है उनके पास, तो या तो उनका रैबिट मर जाता है या तो अपने रैबिट को किसी और को देने की सोचते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं चीजों को कवर करेंगे जिन चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए एक रैबिट को अपना पेट बनाने से पहले। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको रैबिट क्यों चाहिए, और आप अगर एक पेट अपने घर में लेके आ रहे हैं तो आप एक बनी पेरेंट बन रहे हैं या फिर एक पेट ओनर बन रहे हैं। पेट ओनर और पेट पेरेंट में बहुत फर्क होता है। जो कि पेट ओनर होता है वो अपने पेट को पेट की तरह रखता है, लेकिन जो बनी पेरेंट होता है, जो पेट का पेरेंट होता है, वो अपने बच्चों की तरह रखता है। तो क्या आप सबसे पहले अपने पेट को जब लेके आ रहे हैं तो आप उसको अपने बच्चों की तरह रख पाएंगे? रैबिट जो है एक स्लो लर्नर है, जो कि बहुत धीरे धीरे चीजों को सीखता है। तो क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप उसको ये सब चीजें सिखा पाएंगे, जो उसकी बेसिक नीड्स है आप उसको फुलफिल कर पाएंगे? और उसकी बेसिक नीड्स क्या है ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। लोग अक्सर मुझसे रैबिट अडॉप्शन में मांगते हैं, और जो उनका रीजन होता है वो ये होता है कि हमारे घर में बच्चे हैं और बच्चे जो है रैबिट्स के साथ खेल पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि रैबिट कोई टॉय नहीं है, यानी कि कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ के बच्चे खेल सके। रैबिट एक बहुत ही सेंसिटिव और नाजुक पेट है, जिसको गलत तरीके से होल्ड करने पर उसकी जान भी जा सकती है। दूसरी चीज ये है कि रैबिट की डाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है रैबिट की हेल्थ के लिए, क्योंकि रैबिट जो है 24 आवर खाना खाता है। रैबिट को 24 आवर आपको खाना दे के रखना होगा, क्योंकि रैबिट के जो दांत होते हैं वो हर हफ्ते में 2 mm तक बढ़ते हैं। अब ऐसा क्या है जिसको हम रैबिट को खिलाएंगे तो उसको हेल्थ इश्यू भी ना हो और वो 24 आवर उसको खा भी पाए? तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड होता है वो होता है हे या फिर ग्रास। 3 मंथ से अबव रैबिट को उसकी डाइट का 80% हिस्सा हे या फिर ग्रास ही खिलाना चाहिए। 10% वेजिटेबल, 5% फ्रूट एंड 5% इनके पैलेट्स आते हैं ऑनलाइन, वो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी काफी सारी साइटें हैं जो कि आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगी। और कौन कौन सी ऐसी ब्रांड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो हमारी थर्ड चीज है, उसके लिए सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट आती है, जो लोग रैबिट को छोड़ना चाहते हैं, और मोस्ट ऑफ द रैबिट्स जो मेरे पास रेस्क्यू किए गए हैं उनको छोड़ने का भी रीजन खाली यही है, वो है लिटर ट्रेनिंग। लिटर ट्रेनिंग रैबिट को सिखाना बहुत जरूरी है। आपको रैबिट को लिटर ट्रेन करना आना बहुत जरूरी है, और लिटर ट्रेनिंग को सिखाने के लिए सबसे ज्यादा आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी रैबिट को 2 to 3 months लग जाते हैं लिटर ट्रेनिंग को सीखने के लिए। रैबिट किसी भी एज में लिटर ट्रेनिंग सीख सकता है, और लिटर ट्रेनिंग किस तरीके से कराई जाती है उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ अपने इस चैनल पे, जिसके जरिए आप लोग सीख पाएंगे कि रैबिट को लिटर ट्रेनिंग किस तरीके से कराई जाती है। लिटर ट्रेनिंग से रैबिट जो है क्लीन रहते हैं, और आपका घर भी जो है वो भी क्लीन रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट, वो है रैबिट का केज। कुछ लोग अपने रैबिट को रूम में फ्री रखते हैं और उनका रैबिट जो है कहीं भी सो जाता है, या तो सोफे पे या फिर बेड पे, लेकिन रैबिट को फिर भी एक केज की रिक्वायरमेंट होती है। केज इसलिए जरूरी है, जब आप बाहर जाते हैं चाहे थोड़ी ही देर के लिए, लेकिन रैबिट को आप उसमें बंद करके जाएंगे, ताकि रैबिट जो है कोई ऐसी चीज ना काटे, ऐसी चीज ना खाए जो उसकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। और हर पेट की तरह रैबिट को भी अपने एक पर्सनल रूम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द पेट्स के लिए हम रखते हैं फॉर एग्जांपल कैट और डॉग, उसी तरीके से आप उनके लिए केज ला सकते हैं, जो कि उनका एज अ पर्सनल रूम भी आप बोल सकते हैं, तो वो उनका पर्सनल रूम हो जाएगा। जो नेक्स्ट है वो है, रैबिट एक लो मेंटेनेंस पेट नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि रैबिट बहुत सस्ते में पल जाता है। रैबिट भी एक हाई मेंटेनेंस पेट है, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया है, उसकी डाइट हो गई, लिटर बॉक्स, केजेस, इन केस अगर आपका रैबिट बीमार पड़ता है तो वेट का खर्चा और रैबिट की ट्रीट्स, ये सब चीजें मिला के रैबिट एक हाई मेंटेनेंस पेट है। अगर आपका बजट इतना है तो ही आप रैबिट लेके आइए।
सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी कुछ डिटेल्स अगर कुछ छूट गई है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर रैबिट लेके आने की सोच रहा है तो आप मेरी वीडियो उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।